नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे की स्थिति बनी रही। दोनों सदनों में नारेबाजी के बीच कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल एक दिन पहले ही मणिपुर का दौरा करके आया है और उसने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री जवाब दें और पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो, लेकिन सरकार का पक्ष है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय स्पीकर तय करेंगे। सरकार का कहना है कि जब तक स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय तय नहीं करते, तब तक बाकी विधायी कामकाज को निपटाने में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हम चाहते हैं कि आज दोपहर 2 बजे संसद में मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के लोग पहले ही सदन के 9 महत्वपूर्ण दिन खराब कर चुके हैं। And this is clearly reflective of their mentality. When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the house that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 important days of the house. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense. And I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? Inke daadi mein kuch kala hai, koi na koi takleef hai, jisse ye bhaag rahe hain. Inko koi na koi takleef hai, ke Manipur ki sachchai samne lane nahi de rahe. Mujhe lagta hai vipaksh ke logon ne introspect karna chahiye, vipaksh ke logon ne ek baar puna vichar karke tay karna chahiye. इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को ही 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर आपको 2018 की याद हो, तब भी विपक्ष यह जानते हुए भी कि बीजेपी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, उसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उन्होंने कहा कि स्पीकर जब चाहे तब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवाएं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और देश को भी विपक्ष का असली चेहरा नजर आना चाहिए। चर्चा में भाग लें और जिन भी विषयों पर उनको चर्चा करनी है, सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं? आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए हैं, उसका काम क्या है? साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। ये साफ दिखता है कि चुनावी वर्ष में केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा रहे और सदन में अंदर आने के बजाय बाहर भागने का काम। सत्ता पक्ष के माननीय गृहमंत्री जी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से गृहमंत्री जी 4 दिन मणिपुर में रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां पे बार बार गए, वहां पर भी रहे लगातार, और जो कदम उठाने थे वो लगातार उठा रहे हैं शांति बनाने के लिए। विपक्ष अशांति फैलाने का काम ना करे, भय और भ्रम फैलाने का काम ना करे, चर्चा में भाग लें और सुनने का भी हिम्मत रखें ताकि उनको पूरी जानकारी मिले। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब इनकी सरकारें थी कांग्रेस की, तब मणिपुर जब जलता था, तब 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था, हजारों लोगों की हत्याएं हुई, प्रधानमंत्री उस समय मौन रहे, कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री उस समय मौन रहे, उस समय तो बयान तक देने की
ये काम नहीं करते थे, यहां तक कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने केवल एक बार बयान दिया है। हम चर्चा तो पहले दिन से चाह रहे हैं, आखिर विपक्ष क्यों नहीं आता? ये स्पष्ट तौर पर विपक्ष का चेहरा दिखता है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, केवल भड़काने के लिए है। अगर आपको 2018 की याद हो तो तब भी विपक्ष जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास पूरी समर्थन है और जितने नंबर चाहिए उससे ज्यादा है, उसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाया है और उस समय भी इनकी जग हसाई भी हुई थी, धुनाई भी हुई थी। इसलिए मैं इसलिए कहता हूं कि ये सदन में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, इतने दिन क्यों भाग रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव पे जिस दिन भी स्पीकर महोदय चाहेंगे चर्चा शुरू करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सांसद उसमें भाग लें और देश को भी विपक्ष का असली चेहरा नजर आए। मैं अधीर रंजन चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, किस राज्य के सांसद हैं? क्या अपने राज्य के बारे में थोड़ी सी भी चिंता, जहां कांग्रेस को मुश्किल से एक सीट मिलती है, क्या कांग्रेस ने बंगाल में जाने का सोच लिया कि अब जाएंगे नहीं, ना ही चुनाव लड़ेंगे? तभी तो मणिपुर तो गए, लेकिन 21 सांसदों को लेके बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है, हिंसा भी होती है, हत्या भी होती है, अपराध की घटनाएं भी होती है। और अधीर रंजन चौधरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं फिर कहता हूं, अगर आपने मन ही बना लिया है कि ममता सरकार के डर से, वहां की मारपीट से आपने वहां नहीं जाना है और यहाँ बस सदन के बाहर खड़े होकर हल्ला करना है और सदन के अंदर भी नहीं जाना, तो देखता है कि आपने मन बना लिया आप इसका हिस्सा। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बिहार और पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सरकार को जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए, हमें अन्य मुद्दों पर चर्चा करने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि मणिपुर का दौरा करने वाले विपक्ष के सांसदों ने सोमवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के संसद के दोनों सदन के नेताओं को हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति से अवगत कराया। इन सांसदों ने संसद भवन के कक्ष में इंडिया के घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके नेता टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और कई अन्य दलों के नेता मौजूद थे। हम आपको बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल 29 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि अगर मणिपुर में पिछले 3 महीने से जारी जातीय संघर्ष की समस्या को जल्द हल नहीं किया गया तो देश के लिए सुरक्षा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यह आरोप भी लगाया है कि मणिपुर में अनिश्चितता और भय व्याप्त है तथा केंद्र और राज्य सरकार वहां की बहुत गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही हैं। इस प्रतिनिधिमंडल ने इंफाल स्थित राजभवन में मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की थी। साथ ही मणिपुर में शांति और सौहार्द लाने के लिए प्रभावित लोगों के तत्काल पुनर्वास की मांग करते हुए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर प्रतिनिधिमंडल ने उसे राज्यपाल को सौंपा था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।